स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारे साथ है बलिया से धर्मात्मा सिंह, जो विश्व मानवाधिकार परिषद के जिला प्रभारी हैं, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान काफी मदद की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, ये कहना बहुत कठिन है कि समाज सेवा और राजनीति दोनों, मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोगों को मदद करता है या फिर दुख सुख में साथ खड़ा होता है वो राजनीति करता है। राजनीति और समाज सेवा करना मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मदद करते हैं तो समाज राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना अलग बात होगी और किसी का मदद करना, किसी दुख सुख में साथ खड़ा होना है, मतलब ये मेरे शुरू बचपन से ही आदत बनी है कि अगर किसी की जरूरत पर हमें लग रहा है कि मैं मदद करता हूँ तो मेरी बड़ी सौभाग्य होती है कि मैं मदद कर पाता हूँ और करता भी हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रहा है। राजनीति तो मैं दूर राजनीति से मेरा कोई नाता नहीं है। अभी धर्मादा जी, आपने जो एक पहल की है, आप जो मदद कर रहे हैं लोगों की, बहुत अच्छी बात है। अगर लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार को गौर करना चाहिए जी। और दूसरी बात, जो सामाजिक आर्थिक कानूनी सहायता है सुनिश्चित करनी चाहिए सरकारों को जी। और इस पर सरकार को एक मजदूरों को कानूनी बीमा, प्रवासी बीमा के लिए हर तरह की लोगों को कि वो उन्हें उत्पीड़न ना की जा सके, सरकार जिससे कि जो रोजगार मजदूर है बेरोजगारी भत्ते में और रोजगार मिले उन्हें सुरक्षा और आप सभी लोगों में मिलनी चाहिए। धर्माजी जी, हम देख रहे हैं कि जो भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी हमारे जवान 20 जवान शहीद हो गए थे। अब इसको लेकर भी लोगों में जनता है उसके अंदर आक्रोश बना हुआ है, चीन के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो मैं मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने महान वीर शहीदों को मैं अपना अर्पित करता हूँ। जो चीन ने ये सबसे बड़ी घात की है हमारे देश से, वो इसका जवाब दिया जाएगा। एक स्तर पर हम व्यापारिक स्तर कमजोर कर रही जो भी निर्णय होगा हमारे सरकार का देश एक इसने देश के साथ इसमें कहीं ना कोई विचार विपक्ष और मतभेद नहीं, हम देश के साथ हैं और मिलकर जवाब देंगे, बहिष्कार करेंगे जी। बिल्कुल। और धर्मात्मा जी, आप जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि के न्यूज के माध्यम से आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? के न्यूज के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि लोगों कैसे जागरूक रहना चाहिए इस लॉकडाउन में जो COVID-19 लगातार फैलता जा रहा है भारत में? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि COVID-19 में अपने घर पर ज्यादा जरूरी चीजें हो तो बाजार न जाएं, कुछ भी जाएं लगा कर जाएं, डिजिटल से होकर जाएं। तीसरी बात कि अपने आप और जहाँ भी जाएं सावधानी बरतें जी। बिल्कुल। और करें आप साथ में दूसरी मदद भी करें। धर्माधर जी, आपने लोगों के दर्द को समझा है और आपने उसको ये भी बताया कि जो प्रवासी मजदूर आप उनकी लगातार मदद कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में आपने कितने लोगों की मदद की है और किस तरह की मदद करते हैं अभी तक? देखिए, हमने करीबन 200-300 लोगों की मदद की है और राशन किट बांट कर और जहाँ भी हमें लगता है जब मैसेज आता है जरूर जाते हैं, करते हैं हम। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया धर्मात्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ श्री धर्मात्मा जी संग मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से प्रवासी मजदूरों की सहायता कर रहे हैं।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें चीनीज जो चाइनीज है सब सामान का बहिष्कार भी करना है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं शायद यही एक मौका है अपने दुश्मन से बदला लेने का। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।